जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। मैं हवलदार चंदन पांडे, पूर्व एनएससी कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी में स्वागत करता हूं। हमारी एकेडमी बिहार के आरा शहर में, प्रैक्टिस ग्राउंड हमारा जैन कॉलेज है जो कि स्टेशन के बिल्कुल बगल में ही पड़ता है। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा दिखा सकते हैं, यहाँ पे वो ट्रेन भी लगी हुई है, बिल्कुल स्टेशन के सटे हुए हैं। और हमारा जो ऑफिस है वो आरा के बाजार समिति के बगल में है, पाल मार्केट के पास, वहाँ पे आके ऑफिस में आप मिल सकते हैं। और मैं अभी बताऊंगा उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है जो फायरमैन की तैयारी करना चाहते हैं और बिल्कुल और मध्य निषेध 76 पद की तैयारी करना चाहते हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए 2380 पदों का जो बचा हुआ 15 दिन लड़की का और एक महीना लड़के का लगभग बचा हुआ है, तो या 76 पदों का उनका भी रिजल्ट आने वाला है, उनके लिए ये वीडियो है। और 2380 पदों का गर्ल्स का क्या रहेगा मेरिट लिस्ट, हम इसके ऊपर बताएंगे। जो गर्ल्स एसटी कैटेगरी से होंगी, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, तो उनका अगर 58 नंबर आ रहा है, तो उनका मेरिट लिस्ट बनना बिल्कुल तय है। अतः 58 प्लस चाहिए एसटी कैटेगरी की गर्ल्स के लिए। अगर एससी की है, गर्ल्स लड़की है, ईबीसी है और ईडब्ल्यूएस है, अगर वो गर्ल्स है, अगर आपका नंबर 68 प्लस आ रहा है, 68 प्लस यानी कि 68 से दो नंबर ज़्यादा चाहिए, एससी, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी की लड़कियां अगर हैं, अगर आपका नंबर 68 आज की डेट में आ रहा है तो आपका मेरिट लिस्ट बिल्कुल बनना तय है। प्लस चाहिए, 68 प्लस चाहिए, मैं यानी कि 70 चाहिए या 72 चाहिए, प्लस चाहिए। अगर ओबीसी की लड़की है और आपका नंबर अगर 72 प्लस आ रहा है आज की डेट में, बिल्कुल आप 72 नंबर पर एकदम कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंट मतलब वो भी हम बताएंगे कि आपको कितना नंबर चाहिए रनिंग में तभी आप कॉन्फिडेंट हैं, 72 प्लस यानी कि 74 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आपका मेरिट लिस्ट बनना बिल्कुल तय है। अगर आप फिर भी अगर उस कैटेगरी को, लेवल को नहीं टच कर पा रहे हो तो आप मेहनत करो। और जनरल कैटेगरी की जो भी लड़की है, 76 अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप 76 प्लस यानी कि 78 या 77 वो नंबर आ रहा है तो भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम बनना तय है। ये गर्ल्स के लिए, अब हम थोड़ा बताएंगे टाइमिंग के हिसाब से कि क्या टाइमिंग आपका, अगर आपका आ रहा है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम तय है। जनरल और ओबीसी की लड़की जो भी है, अगर 4-5 के नीचे उनका टाइमिंग आ रहा है, बिना किसी को सपोर्ट लिए अपना सेल्फ टाइमिंग आ रहा है, तो आप समझ लीजिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम बिल्कुल बनना तय है। कोई सपोर्ट अगर आपको दौड़ने में नहीं कर रहा है, 4-5 डाउन, 3-8 हाई जंप, गोला में 16 प्लस, तो ओबीसी और जनरल की लड़कियां अपने आप को बिल्कुल सिक्योर समझे कि हम सिक्योर एकदम सेफ है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम तय है। रनिंग का ज्यादा हम फोकस इसलिए करते हैं गोला का कि यही दो चीज है जो आपको मेरिट लिस्ट में नाम लेके आएगा। अगर आपका गोला और रनिंग अगर है, क्लियर है ओबीसी और जनरल की लड़की, यानी कि 40 नंबर, 4-5 डाउन और गोला में पूरा का पूरा नंबर, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम बिल्कुल पहनना तय है। अब हम बात करेंगे बॉयज का, बॉयज में बात करेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के जितने भी बॉयज हैं, अगर आप 68 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो आपका नाम बिल्कुल मेरिट लिस्ट में आना तय है 68 प्लस। अब ये भी बताएंगे कितना आपका टाइमिंग आना चाहिए तभी आप इन कैटेगरियों में अपने आप को सेव कर पाओगे। आप अगर एससी, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी कैटेगरी से हैं और 72 नंबर अगर आपका आ रहा है, 72 प्लस यानी कि 74 या 76 के कैटेगरी में आप जा रहे हैं, तभी आप अपने आप को सेफ जोन में समझिए। 72 प्लस यानी कि आप उसको 74 या 76 अपना कैलकुलेशन में ला सकते हैं। अब ओबीसी कैटेगरी, सबसे ज्यादा आज की डेट में अगर मार हो रहा है तो सबसे ज्यादा ओबीसी, बच्चे भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और इस कैटेगरी का जो कट ऑफ लेवल है भी वो भी काफी हाई जा रहा है, तो ओबीसी कैटेगरी के हैं। और अगर आपका नंबर 78 प्लस यानी कि 80 समझ लीजिए, अगर 80 स्कोर कर पा रहे हैं, ओबीसी के बच्चे हैं, लड़के हैं, तब आपका मेरिट लिस्ट में नाम बिल्कुल तय है। और जनरल कैटेगरी वाले 84 प्लस, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम तय है। अब ये जितने भी ओबीसी और जनरल के बच्चे हैं, अगर आपकी टाइमिंग 5-5 के डाउन आ रही है, 5-5 के डाउन और प्रॉपर ट्रैक पे, ऐसे नहीं कि बहुत सारे नमूने, अब मैं क्या बोलूं उनको, बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे का जिंदगी का खिलवाड़ कर चुके हैं, सही ट्रैक पर अगर नहीं दौड़ा रहे हैं, आप खुद से अपना मेजरमेंट गाड़ी से, कहे घोड़े से या तांगे से या हेलीकॉप्टर से, अपने ट्रैक को नाप लीजिए एक बार कि आपका ट्रैक 1600 है कि नहीं है, क्या ये जो गधा दौड़ा रहा है ये आपको सही ट्रैक पर दौड़ा रहा है कि नहीं दौड़ा रहा है,
कि आपको 1600 के ट्रैक पे दौड़ा रहा है कि नहीं दौड़ा रहा है, 1600 प्लस पे दौड़ा रहा है कि नहीं दौड़ा रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपको 1500 या 1480 के ट्रैक पर दौड़ा के आपका टाइमिंग बता दे रहा है, 50 मीटर पहले क्लोजिंग करवा दे रहा है। 1600 के ट्रैक पर कहीं 1700 के ट्रैक तो नहीं बता रहे हो गधा। आप अगर सही ट्रैक पे सही जगह पे दौड़ रहे हो, अगर आपका 5-5 डाउन है बाबू, ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी से हो, बिल्कुल आपका मेरिट बनेगा। जितने भी एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, अगर आपका 30 नंबर यानी कि आपकी टाइमिंग 5:20 डाउन होनी चाहिए। आपका टाइमिंग 5:20 के ऊपर आ रहा है यानी कि आप तीनों चारों कैटेगरियों से बाहर हो, आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। आपका 5:20 डाउन रनिंग है, 5:20 डाउन बने यानी 5:20 लास्ट आ रहा है, तो एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी कैटेगरी में मेरिट बनना आपका तय है। अब हम बात करेंगे हाई जंप के लिए। हाई जंप में अगर आपका जनरल और ओबीसी के बच्चे हैं, 4-8 हाई जंप हो रहा है, आपका मेरिट लिस्ट बिल्कुल बनना तय है। गोला में आपको पूरा का पूरा नंबर चाहिए चाहिए। उसके बाद बात करेंगे हम ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी और एसटी। अगर आपका हाई जंप 4-4 भी हो रहा है और गोला में पूरा का पूरा नंबर है, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम बिल्कुल बनना तय है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आएं और अपना मेरिट लिस्ट बिल्कुल बना लें, तो आइए। भोजपुर फिजिकल एकेडमी हमेशा ही तत्पर रहता है और यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर बच्चों को गलत टाइमिंग नहीं दिखाता हूँ। आप वहाँ पर जाकर ट्रैक, कल भी हम दौड़े थे वहाँ पर, आके जाके अपना ट्रैक को नाप सकते हैं। वहाँ पर ट्रैक आपको 1600 प्लस ही मिलेगा। हमने गाड़ी से भी मेजरमेंट किया था। बहुत सारे हमारे भाई आए हुए थे एकेडमी को लेके, उन्होंने फीते से भी मेजरमेंट किया था, बोला नहीं सर बिल्कुल आपने सही माप किया था। तो इस चीज़ को अगर आप देखना चाहते हो, अपना मेरिट लिस्ट, बचा हुआ समय, जो भी आपका समय है 20 दिन 22 दिन, मेरे पास बाबू अगर हॉस्टल में रहते हो तो 4000 रुपया है। और हॉस्टलों का चार्ज आप कितना है, मैं यहाँ से कुछ बच्चों को यहाँ पे खड़ा करूँगा जो पहले हॉस्टल में रह चुके हैं। गोलू थोड़ा जल्दी आइए। एकेडमियों के हॉस्टलों में कितना चार्ज है, चाहे 1 घंटा रहें चाहे 1 दिन रहिए, ये गोलू आपको बताएगा। 3 से 4 एकेडमियों का जो जिसके पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। अगर आप भी चाहते हैं कि उन एकेडमियों में फंसे हुए हैं तो यहाँ आइए। आपको 15-20 दिन या जो 25 दिन बचा है, मुश्किल से मुश्किल 4000। कोई हम ट्रेनिंग के लिए यहाँ पैसा नहीं। आप ट्रेनिंग के लिए कोई पैसे दिए हो? नहीं सर। हॉस्टल वाले हाथ खड़ा करो, घुमा दो। आप लोग ट्रेनिंग के लिए कितना पैसे दिए हो? ट्रेनिंग यहाँ पे क्या होती है? खाने के लिए कितना पैसे दिए हो? 4000 रुपए में मात्र खाना पीना रहना सब उसी में। ट्रेनिंग हम यहाँ निःशुल्क में कराते हैं, निःशुल्क। अगर आपको भी लगता है कि आप कहीं ट्रेनिंग के लिए पैसा दे चुके हैं, फंसे हुए हैं, लेकिन अपने खाने के लिए पैसा पे फट कर पाएंगे, तो आइए हम 4000 रुपए में। क्या टाइम खाना मिलता है? 3 टाइम खाना मिलता है सर। 3 टाइम खाना, दोपहर में खाना, रात में खाना। रात में खाना। आप दोनों तीनों एकेडमी और ये इस एकेडमी का क्या तुलना करना चाहते हैं? बहुत अंतर है सर खाने में। बहुत अंतर है सर। कल देख लिए वीडियो में, कल ग्राउंड के बाद जो बोले थे वो सही है। सही है। खाना का देख रहे हैं कितना लड़का है, सब बता ही देगा सर। इस लड़के से इसलिए बात करा रहा हूँ आपको, ये लड़का 11880 का जो पदों का पुलिस वैकेंसी चला गया, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से था बेचारा, और इसका मेरिट अगर नहीं बना पाई वो एकेडमी, या जो कि अपने आप को इस बिहार का नंबर 1 ब्रांड एकेडमी बोलती है अपने आप को, और 1600 के ट्रैक को 1700 नाप के बोलती है, तो ये बच्चों के साथ सरासर धोखा हो रहा है। और ये गद्दार हैं, गद्दार। अब इनसे बड़ा उनको उपाधि मैं नहीं दे सकता हूँ। नॉन एक्सपीरियंस में नॉन, 0/0। और बातों करने में देखो तो बातें इतने बड़ी बड़ी करेंगे, नहीं तो ये भी लड़का आज बिहार पुलिस की वर्दी में पेमेंट लेता रहता, आज भी कमांडो ड्रेस पहन के घूमता रहता। और लेकिन इसका अगर कहीं हुआ है तो भोजपुर फिजिकल एकेडमी ने संभव करके दिखाया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम चाहिए, आइए। भोजपुर फिजिकल एकेडमी आपका स्वागत करती है। बॉयज़ के लिए हॉस्टल बिल्कुल खुला हुआ है, सीट भी बहुत खाली है उसमें, आप आ सकते हैं। हम सीट उसमें बढ़ा भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास रूम की अवेलेबिलिटी है। गर्ल्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, गर्ल्स का सीट नहीं है मेरे पास, लेकिन बॉयज़ के लिए मेरे पास अवेलेबल सीट है। तो आप बताना चाहते हैं, कुछ बच्चों को संदेश देना चाहते हैं? बोलूँ बताइए सर। मैं तो यही बोलूँगा कि जिसको भी तैयारी करना है और मेरिट लिस्ट में नाम पक्का करना चाहते हैं तो भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आइए। और यहाँ पर गदा और गोला सब फैसिलिटी है, आप दिखा सकते हैं जूम करके।